आज 27 मई है और मॉर्निंग के अंदर जो सुबह सूर्य निकलता है उस सूर्य का जो उद्गम स्थान है ये अभी उत्तर पूर्व की साइड में है और उत्तर पूर्व से जब सूर्य निकलेगा तो उसकी जो पोजीशन उसका जो जो बोलते हैं कि सूर्य के जो 7 घोड़े हैं पहले उनका प्रस्थान, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि लालिमा अभी शुरू हो चुकी है और ये लालिमा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि अभी सूर्य कुछ ही समय के बाद में जो है वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं, सुबह की भावभंगी माँ आप देख सकते हैं, चिड़ियाँ का चहचहाट, एक शांति है महसूस कर सकते हैं। और ये जो दिशा अभी मैं दिखा रहा हूँ अभी ये उत्तर पूर्व की दिशा है। सुबह का इतना मनमोहक दृश्य है ना कि जैसे जैसे समय बढ़ता है ये लालिमा बढ़ती जाएगी। और अगर आप देख पा रहे हैं सूर्य भगवान के अभी दर्शन हुए हैं, बहुत ही अभी धीरे 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 ये सूर्य भगवान का उद्गम हो चुका है। ये जो पोल है इसके पास में आप देख सकते हैं नीचे की साइड को कैसे ये धीरे धीरे अब जो है बढ़ रहे हैं।
ये जो दृश्य है ना, ये बहुत ही एक जो है प्रातःकाल का एक ऐसी अवस्था है कि जो मन को छू लेती है। ये सूर्य भगवान अभी धीरे 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 करके और ये बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बोलते कि इतना इतना ये एक लालिमा लिए हुए है, क्योंकि मई का अभी टाइम चल रहा है तो धीरे धीरे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब सूर्य भगवान जो है वो अपने अभी जो ये लालिमा है इस लालिमा को बिखेर रहे हैं और इसका चारों तरफ जो है वो लालिमा को आप देख सकते हैं। इसमें सबसे जो मधुरतम और जब से सबसे जो सुखद मुझको जो लगा है वो जब भी कोई पक्षी जो है वो यहाँ से गुजरता है इनके तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ही उसको वर्णनीय है, इतना सुखद ये अभी लक्षण होते जब सूर्य भगवान अपनी लालिमा बिखेर रहे हैं धीरे 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 प्रकाश बढ़ने लगा है। और कुछ ही समय के बाद में जैसे जैसे अभी उत्तर पूर्व से ऊपर की ओर चलेंगे और बिल्कुल ये इतना है कि उत्तर पूर्व की स्थिति है, क्योंकि यहाँ से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि उत्तर पूर्व की स्थिति में है इस समय, और किस तरह से जो लालिमा है वो बढ़ी है। एक बहुत ही सुखद और अवर्णनीय जो स्थिति है कि सुबह का जो उगता हुआ सूरज है जब ये दिखता है चारों तरफ प्रकाश फैला देगा, हर कोई व्यवस्थित हो जाएगा अपने अपने कार्य में, अपने अपने व्यवस्था के अनुसार उसका जो भी समय प्रणाली के अनुसार जो भी उसके कार्य हैं उसमें वो व्यवस्थित होने लगेगा। तो ये सूर्य भगवान की अनुकंपा है, उनकी एक अपनी व्यवस्था है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। और सबसे सुखद जो अनुभूति है वो अनुभूति ये है कि जब सूर्य भगवान के और मेरे सामने से जब भी कोई पक्षी यहाँ से उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वो अनुभूति वो सूर्य भगवान के साथ वो बड़ा ही बहुत ही एक सुखद अनुभव है। प्रातःकाल की स्थिति और प्रातःकाल की स्थिति में ये अभी आप देख सकते हैं। आकाश में ये धीरे धीरे जो प्रकाश है पीलापन वो और स्वयं आकाश जो ब्लू की स्थिति में है नीले रंग का है वो ऐसे अब हो चुका है। प्रकृति ने सुबह के समय भी कितने सारे रंग दिए हैं और इस साइड में चलेंगे तो कुछ अभी भी थोड़ा सा अंधकार है पश्चिम की दिशा में, लेकिन ये भी धीरे धीरे अब ऐसे कम हो जाएगा। जो सूर्य भगवान है
से ये कुछ लाल है, कुछ ऑरेंज कलर का है, और कुछ धीरे धीरे अब ये पीलापन लिए, फिर ये पीलापन भी अब बिल्कुल नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और आप ये देखना कि जो एक गति है सूर्य भगवान की उत्तर पूर्व दिशा से, तो आप खुद देखेंगे कि कितनी गतिमान है, कि अभी ये खंभे के इस साइड में है और कितनी जल्दी ये जो है खंभे के इधर से जो है इस दूसरी और अपना प्रस्थान करेंगे। और धीरे धीरे ये इस तरह से अभी पूरा जो आसपास है वो बिल्कुल एक लालिमा लिए हुए है, और आकाश का ये पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है वो कुछ लालिमा, कुछ उसमें अभी अंधकार के कुछ कण हैं। आकाश जहाँ पर सूर्य है उसके ऊपर बिल्कुल एकदम ये लालिमा और हल्का पीलापन नीला, ये सब मिक्स हो चुके हैं। और अब सूर्य भगवान की गति को देखते हुए आप देख सकते हैं कि उनकी स्थिति कुछ ऊपर की ओर हुई है, और वो ये जो खंभा आपको दिखाई पड़ रहा है, इस खंभे के दूसरी ओर भी बहुत ही जल्दी आपको दिखाई पड़ेंगे ऊपर उठते हुए। और उसके बाद में प्रकृति के अंदर जो पक्षियों की, जो व्यक्तियों की है, जो सामाजिक जन हैं, उनकी कितनी स्थिति बदलेगी, और वो उसी के अनुसार अपनी जो दिन की कार्य प्रणाली है उसको आरंभ कर देंगे। चिड़ियों की चहचहाट अभी और बढ़ेगी, एक सुबह के टाइम बढ़ती है जब सूरज तो इस तरह से प्रकृति जो है अपने रंगों को परिवर्तित करते हैं। अब ये आकाश के अंदर नीलापन, हल्की लालिमा धीरे धीरे कम होते हुए पीला प्रकाश बढ़ते हुए, अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभूति है सुबह के समय की, जब सूर्य का उद्गम स्थान को आप देखते हैं।
और किस तरह से प्रकृति जो है स्वयं भी अपने काल चक्र के अनुसार व्यवस्थित हो जाती है। ध्यान से देखेंगे तो वो अभी खंभा जो हमको दिखाई पड़ रहा था वो खंभा को भी क्रॉस हो चुके हैं। और इस तरह से अब भी ये स्थिति है आकाश की और उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। बड़ा ही सुखद अनुभव है।